नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमवीर सिंह ने बीते दिनों एक चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का आरोप लगाया था। इसी के बाद से ही अनिल देशमुख हर किसी के निशाने पर थे। After the order of Honorable High Court on the allegation of ex Chief Police Commissioner, the High Court has given an order for preliminary CBI inquiry. After the order, Home Minister Anil Deshmukh ji has met Mr. Pawar and party leaders. He has said that I don't want to remain in my chair because the inquiry will be there. Party has accepted his willingness and he went to tender his resignation to Honorable Chief Minister of Maharashtra. Party has requested to the Chief Minister that he should accept the resignation of Anil Deshmukh ji. सोमवार को जब बॉम्बे हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ सीबीआई जांच को मंजूरी दी तो अनिल देशमुख ने इस्तीफा देने की बात कही है। अनिल देशमुख के इस्तीफे के बाद गृह मंत्रालय खुद मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रख सकते हैं। आपको बता दें कि परमवीर सिंह ने इस मामले में हाई कोर्ट का रुख किया था। बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार सुबह ही निर्देश दिया था कि इन आरोपों की जांच सीबीआई करे। सीबीआई को अगले 15 दिनों में एक शुरुआती रिपोर्ट देनी होगी। इसी के बाद ये तय होगा कि अनिल देशमुख पर एफआईआर दर्ज होगी या नहीं। एंटीलिया मामले के बाद से ही महाराष्ट्र में लगातार संकट देखने को मिल रहा है। इस मामले के कुछ दिन बाद मुंबई के कमिश्नर पद से परमवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया गया था। तब परमवीर सिंह ने एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि अनिल देशमुख अपने आवास पर सचिन वाजे से मुलाकात करते थे। साथ ही उन्होंने हर महीने मुंबई से 100 करोड़ रुपए की वसूली करने की बात कही थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।